हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 का फिजिक्स हिंदी मीडियम में, और टॉपिक आप देख रहे होंगे कणों के निकाय एवं घूर्णी गति का फोर्थ पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्री पार्ट में आपने कंप्लीट इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। समांतर अक्ष प्रमेय, लंब अक्ष प्रमेय तक मैंने पढ़ा दिया, और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि आगे हम अब कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के बॉडीज़ के, अलग अलग पिंडों के, जो नियमित आकार के पिंड हैं, उनके जड़त्व आघूर्ण की गणना करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत से ज्योमेट्रिकल शेप के बॉडी के कैलकुलेट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ करेंगे 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने लास्ट वीडियो में इस पर डिस्कस किया था। चलिए, तो आज हम निकालें। सबसे पहला जो हम जड़त्व आघूर्ण की गणना करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट सर्कुलर रिंग। क्लियर? सर्कुलर रिंग हिंदी बोलेंगे वृत्तीय वलय। वलय मतलब रिंग, छल्ला। तो सपोज हमारे पास कोई सर्कुलर रिंग है और हम उस सर्कुलर रिंग के लिए हम जड़त्व आघूर्ण की गणना करेंगे। तो देखिए, इसका जो वर्किंग स्टेप है, इसका कैलकुलेशन करने का जो स्टेप है, सबका एक जैसा रहेगा, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से समझिए। एक समझ में आने के बाद बाकी सब उसी स्टेप पर चलेगा। तो देखिए, पहले हम एक फिगर बना लें कि किस तरह से अपने को सर्कुलर रिंग का फाइंड करना है। ये हम रिंग बना लेते हैं एक, ये सपोज एक रिंग है, और इस रिंग का हम एक्सिस बना लेते हैं जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सपोज ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट, इसके चारों तरफ एक्चुअल में सेंटर से जा रहा है, तो इसकी स्थिति जैसा फिगर में देख रहे हैं वैसा नहीं है। अपने पास एक रिंग है और रिंग के सेंटर से होके वो पार हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं एक्चुअल में बोर्ड के बाहर है। इस तरह से रिंग के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है जो उसके सतह पर लंबवत है। इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, सपोज इसका रेडियस ये आर है, ये हमने इसका रेडियस सपोज कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ये रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर पर हम एक स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लेते हैं डीएक्स। डीएक्स मतलब इसका स्मॉल एलिमेंट, छोटा पार्ट को हम डीएक्स पार्ट बोलेंगे। और पूरे रिंग का द्रव्यमान क्या है, सपोज कैपिटल एम है। ये पूरे रिंग के द्रव्यमान को हमने कैपिटल एम सपोज कर लिया। अब इसके कैलकुलेशन के स्टेप क्या है, देखिए। तो कैलकुलेशन का सबसे पहला स्टेप है कि हम स्मॉल लेंथ के लिए, मतलब इस यूनिट लेंथ के लिए, इकाई लंबाई के लिए हम द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो पूरे रिंग का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम। तो रिंग के, यह वाला लिख लेंगे आप हिंदी में जैसा भी है, रिंग के इकाई लंबाई का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, रिंग के इकाई लंबाई का द्रव्यमान, यूनिट लेंथ का, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल रिंग का द्रव्यमान और बटे उसकी कुल लंबाई। तो रिंग की लंबाई कितनी होती है, उसकी परिधि के बराबर होती है, क्योंकि रिंग की लंबाई मतलब रिंग को यदि हम काट दें और एक तार बना दें, तो रिंग के जो लंबाई होती है वह उसकी परिधि के बराबर होती है। तो इसका परिधि, रेडियस हमने आर माना है, तो हो जाएगा 2πr। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाना। सबसे पहले हमने रिंग के इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकाला। अब हमने यहाँ पर dx लंबाई का स्मॉल एलिमेंट सपोज किया है। ये सपोज हमारा एक स्मॉल एलिमेंट है जो dx लंबाई का है, तो इसलिए अब हम निकालेंगे dx लंबाई का द्रव्यमान। dx लंबाई का द्रव्यमान जिसको मैं dm से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट पार्ट में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन मेथड से टोटल निकालना है।
तो dx लंबाई का द्रव्यमान जिसको मैंने संकेत किया है dm से, वो कितना हो जाएगा, इकाई लंबाई का है m अपॉन 2 पाई r, तो dx लंबाई का हो जाएगा m अपॉन 2 पाई r इंटू dx। इकाई लंबाई का यूनिट लेंथ का इतना है तो dx लेंथ का इंटू dx हो जाएगा। इसलिए dx का जड़त्व आघूर्ण अब हम निकाल लेते हैं कि इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा किसका, dx लेंथ का, मतलब यहां पर हम निकाल रहे हैं स्मॉल लेंथ dx का। पहले dx का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे फिर पूरा रिंग का निकालेंगे। तो dx लेंथ का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो हो जाएगा, हमने संकेत कर दिया उसको di। तो di इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है एम आर स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान और पूरी दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान कितना है इसका, dx लंबाई का द्रव्यमान ये है, ये हो जाएगा m अपॉन 2 पाई r इंटू dx, ये इसका मास हो गया, और इंटू r स्क्वायर। तो किसके अबाउट निकालना है अपने को, इसके अक्ष के, तो अक्ष से इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो m अपॉन 2 पाई r इंटू dx इंटू r स्क्वायर, ये हो जाएगा इस dx लंबाई का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। आगे इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज di इक्वल एक आर इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा m अपॉन 2 पाई इंटू, यहाँ से एक r बचा उसको पहले लिखता हूँ, r इंटू dx, ये हो जाएगा di इक्वल टू m इंटू r इंटू dx। क्लियर, अभी हमने क्या निकाल लिया है, dx का जड़त्व आघूर्ण। अब हमको किसका निकालना है, पूरे रिंग का, ठीक है, तो इसलिए संपूर्ण वलय का, इसलिए संपूर्ण वलय का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसको मैं लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसको हमने i कह दिया, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ di। इंटीग्रेशन ऑफ di मतलब ये जो हम di निकाले हैं यह किसका है, स्मॉल एलिमेंट का है, ये जो dx स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका जड़त्व आघूर्ण है di। अब इस स्मॉल एलिमेंट को ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो सभी स्मॉल एलिमेंट का क्या करेंगे, छोटे छोटी लंबाई जो हम लिया है उसके यदि हम समाकलन कर दें तो समाकलन करने से क्या हो जाएगा, पूरे रिंग का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन di। अब यहाँ पर हम लगाएंगे लिमिट, तो लिमिट क्या होगा ध्यान से समझना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट करके यहाँ पर वापस आएंगे तो रिंग कंप्लीट होगा, मतलब उसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक आएंगे, टू पाई आर तक आएंगे, तो ये हो जाएगा जीरो टू टू पाई आर। क्लियर, दैट इक्वल, अब हम इसमें डी आई के वैल्यू को ला के पुट अप कर देते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन टू पाई इंटू आर इंटू डी एक्स, और कहाँ से, जीरो से टू पाई आर तक हो जाएगा, दैट इक्वल। अब इसका हम यहाँ पर समाकलन करें तो कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है, एम है, ये आर है और अपॉन टू पाई है, और अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम जीरो टू टू पाई आर, ये मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो आपको समाकलन के फार्मूला में मैंने पढ़ाया था, याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप में से यदि किसी भी स्टूडेंट का कैलकुलस पुअर है या वेक्टर पुअर है, क्योंकि फिजिक्स हम सिर्फ गणितीय बेस पर पढ़ते हैं, तो मैंने मूलभूत गणितीय अवधारणा करके वीडियो बनाया है, मेरे प्ले लिस्ट में है, तो आप लोग को मेरा सजेशन है कि यदि इस तरह की चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप उस वीडियो को बार बार रिपीट करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक किसी स्टूडेंट का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता वो फिजिक्स अच्छा नहीं कर सकता, यह लगभग मैं हर क्लास में आपको याद दिलाता हूँ, तो वहाँ से आप उसको करिए। क्लियर यहाँ तक, चलिए देखिए अब अपन आगे देखते हैं इसका इंटीग्रेशन। देयरफॉर अगेन उसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई आर, ये तो लिख चुका ना मैं, ये मैं इरेज करता हूँ, जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर निकाल दिया था, कांस्टेंट क्या हमने निकाला बाहर, एम इंटू आर अपॉन टू पाई, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई आर इंटू डी एक्स, दैट इक्वल
एम इंटू आर अपॉन टू पाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है और लिमिट होगा यहाँ पर 0 टू 2 पाई r, दैट इक्वल ये m इंटू आर अपॉन 2 पाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई r माइनस 0, ये हो जाएगा 2 पाई r माइनस 0, दैट इक्वल यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्लियर है कि 2 पाई के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा और अपने को मिल जाएगा एम आर इंटू आर, दैट मीन्स एम आर स्क्वेयर। ये होता है सर्कुलर रिंग का उसके अक्ष के परितः, सर्कुलर रिंग के केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण, क्लियर। अब इसका आपको यदि डिफरेंट पोजिशन में आपको जड़त्व घूर्ण निकालना है तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे देता हूँ, बाकी आप उसको अपने से कर सकते हो। देखो ये मान लो रिंग है, अभी हमने क्या किया है, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला है, उसके अक्ष से होकर जाने वाले, ये मतलब केंद्र से होकर जाने वाले ये निकाला है। अब सपोज आप जानना चाहते हैं कि इसके सापेक्ष में निकालूं जो उसको टच करते हुए जाए, तो यहाँ पर हम समांतरअक्ष प्रमेय लगा देंगे इस तरह से। यदि आप चाहते हैं कि वो लाइन इसके लंबवत हो तो लंबवत अक्ष प्रमेय लगा देंगे, यदि आप व्यास के परितः चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समांतर अक्ष प्रमेय, लंब अक्ष प्रमेय लगा के हम कई प्रकार से उसके जड़त्व घूर्ण की गणना कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा मेन फार्मूला, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब सर्कुलर रिंग वृत्ति वलय के केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण। वर्किंग स्टेप को एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम रिंग के इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकालते हैं, हर जगह ऐसे ही करेंगे। इसके बाद dx लंबाई, जो हमने अल्पांश लंबाई लिया है, उसका द्रव्यमान निकालेंगे। उसके बाद वो dx अल्पांश लंबाई का हम जड़त्व घूर्ण निकालेंगे। ये जो छोटे पार्ट का जड़त्व घूर्ण निकलेगा उसको संपूर्ण वलय का निकालने के लिए समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने के बाद इस तरह से हम समाकलन करेंगे और लास्ट जो फार्मूला आएगा ये है केंद्र से होकर जाने वाले इसके परितः जड़त्व घूर्ण, क्लियर। अब सेम, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए, इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। अब सेम पैटर्न पर हम करते हैं आज सेकंड, बहुत सारे आज करा दूं तब तो आपको प्रॉब्लम होगा, दो आज मैं करा रहा हूं, तो इसके बाद हम करेंगे बार मतलब दंड, ठीक है, रेक्टेंगुलर या तो आयताकार या बेलनाकार भी हो सकता है उसके कारण, जिसको हम छड़ कहते हैं, रॉड। चलिए नेक्स्ट सेकंड, एक समान छड़ कहेंगे अपन, एक समान का मतलब है उसकी लंबाई मोटाई शुरू से आखिर तक क्या हो, एक समान हो, छड़, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड के लिए हम जड़त्व घूर्ण की गणना करेंगे सेकंड, ठीक है, एक समान छड़। तो इसके लिए भी पहले अपन फिगर बना लें, रेक्टेंगुलर अपन रॉड बना लें,
देखते हैं। ठीक, ये हमने एक रॉड बना लिया, ये एक रॉड है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है मतलब गोलाकार जैसे छड़ होता है, और आयताकार भी हो सकता है जैसे घन घनाभ का होता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों के लिए सही है। ठीक है, ये हमने एक रॉड बना लिया। अब यहाँ पर देखो, इसका अक्ष डिसाइड कर लिए अपन, जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मान लो ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, और इसी के सापेक्ष हम यहाँ पर जड़त्व घूर्ण की गणना करना चाहते हैं। मतलब ये रॉड इसके चारों तरफ घूम रहा है, रॉड इस तरह से घूम रहा है, ये इसका मध्य बिंदु है, और यहाँ से हम जड़त्व घूर्ण निकालेंगे। जैसे कोई ये रॉड है तो इस तरह से अपने मध्य बिंदु के दोनों ओर घूम रहे हैं। क्लियर। सपोज पूरे रॉड की लंबाई को हम एल मान लेते हैं। ठीक है, मान लो पूरे रॉड की लंबाई को हमने एल मान लिया, तो ये इसका मध्य बिंदु है ओ, तो इधर की आधी लंबाई एल बाई टू हो जाएगा, और इधर की बची हुई आधी लंबाई भी एल बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ओ यहाँ पर मध्य बिंदु है। क्लियर यहाँ तक। पूरे रॉड के द्रव्यमान को सपोज हमने कैपिटल एम मान लिया। अब यहाँ पर देखो, इसके केंद्र से हम एक्स दूरी पर ये एक स्मॉल एलिमेंट की कल्पना करते हैं, डी एक्स दूरी पर, ये दूरी है मान लो डी एक्स, तो केंद्र से डी एक्स, ठीक है, केंद्र से एक्स दूरी पर, चलो डी एक्स दूरी नहीं, केंद्र से एक्स दूरी पर ये डी एक्स, डी एक्स मोटाई का हमारे पास क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है, छोटा पार्ट है। ठीक है, डी एक्स क्या है, एक छोटा पार्ट है, जो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है इस तरह से, उसकी दूरी मान ले वहां से x है, ये दूरी को हमने मान लिया, O से यहां तक की दूरी को x मान लिया। क्लियर। अब मैंने कैलकुलेशन का क्या स्टेप आपको बताया था, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, तो सबसे पहले निकाल लें हम छड़ के इकाई लंबाई, छड़ के इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो छड़ के इकाई लंबाई का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम और बटे छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई क्या है एल, लंबाई का कुल द्रव्यमान में कुल लंबाई का भाग देने से हमको इकाई लंबाई का मिल जाता है। जैसे हमने वहां पर कैपिटल एम में 2πr का भाग दिया था। अब जब इकाई लंबाई का निकल जाता है तो किसका निकालेंगे, इसलिए ds डी एक्स अल्पांश कहेंगे अपन इसको, अल्पांश माने छोटा पार्ट। ठीक है, डी एल अल्पांश, डी एक्स अल्पांश का द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान को हमने डी एम सपोज कर लिया, तो इकाई लंबाई का है एम अपान एल, ये हो गया एम अपान एल, तो डी एक्स लंबाई का इंटू डी एक्स। देखो कैलकुलेशन के स्टेप वैसे ही चल रहे हैं जैसा मैंने पहले बताया था, तो बिल्कुल वह उसी तरह से ही होगा। ठीक है, तो एम अपान एल इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया डी एक्स अल्पांश का द्रव्यमान डी एम। अब हम निकालेंगे इस अल्पांश का जड़त्व घूर्ण। क्लियर, तो इसलिए डी एक्स का जड़त्व आघूर्ण, तो डी एक्स का जड़त्व आघूर्ण को हम कह दें डी आई, तो जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होगा एम आर स्क्वायर, तो एम यहां पर क्या है एम अपान एल इंटू डी एक्स, एम अपान एल इंटू डी एक्स, और इंटू अक्ष से उसकी दूरी का वर्ग, तो अक्ष से इसकी दूरी को हमने क्या सपोज किया है एक्स सपोज किया है, तो हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हमने निकाल लिया डी एक्स का जड़त्व आघूर्ण। अब हमको क्या चाहिए, पूरे रॉड का चाहिए, तो इसलिए संपूर्ण रॉड का या संपूर्ण छड़ का, ठीक है, इसलिए संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण, तो यहां पर हम समाकलन करेंगे, का जड़त्व आघूर्ण ये हो जाएगा आई, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और लोअर लिमिट क्या है इसका, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, लिमिट को ध्यान देना, यहां से स्टार्ट करके राइट में हम यहां तक जाएंगे तो यहां ये होगा, और यहां से स्टार्ट करके लेफ्ट में जाएंगे तो यहां तक जाएंगे तो राट कंप्लीट होगा। मतलब ओ क्या है, सेंटर है, लिमिट को ध्यान समझना, वो उसका सेंटर है, और सेंटर के बाएं तरफ l बाई टू डिस्टेंस, और सेंटर के दाएं तरफ भी l बाई टू डिस्टेंस, तो बाएं तरफ का जो डिस्टेंस होगा निगेटिव होगा, क्योंकि हम मूल बिंदु से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो लिमिट होगा इसका माइनस l बाई टू से l बाई टू, यहाँ लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
इसके हर टॉपिक में लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लिमिट नहीं समझें या प्रॉपर लिमिट पुट नहीं किए तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एल बाई टू से एल बाई टू डी आई। अब देखो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके वैल्यू को पुट अप करके, क्योंकि अपने पास ये उसका वैल्यू है। तो नेक्स्ट पेज में अपन चलते हैं। देयर फॉर आई इक्वल टू, एक बार रिपीट करता हूँ उसको मैं, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू और डी आई, दैट इक्वल वैल्यू पुट अप कर देते हैं, माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू और डी आई का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो डी आई का वैल्यू क्या निकाला है हमने, एम अपान एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एम अपान एल डी एक्स, एम अपान एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इक्वल। अब हमको यहाँ समाकलन करना है। देखो इंटीग्रेशन का, कैलकुलस का इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो x को छोड़ के सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये नहीं होगा क्योंकि वो x है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि x के रेस्ट में उसका समाकलन हो रहा है। ओके, तो चलो हम बाहर करते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया m अपान l, और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू। ओके, अब समाकलन करते हैं। दैट इम्प्लाइज आई इक्वल एम अपान एल, और अंदर समाकलन होके क्या होगा, देखो इसका समाकलन किस फार्मूला से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। ये फार्मूला मैंने बताया था समाकलन में। तो यहाँ पर आप देखो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दो है, तो n का वैल्यू दो है, तो जैसे n प्लस वन हुआ है वैसे क्या होएगा, टू प्लस वन, मतलब कितना हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ पर मैं समाकलन करके लिखता हूँ, एक बार पूरा लिख देता हूँ, x टू द पावर 2 प्लस वन अपान टू प्लस वन और लिमिट माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, ये हो जाएगा। दैट इक्वल m अपान l, अब क्या होगा देखो, l टू द पावर 3, l टू द पावर 3 अपान 3 माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, दैट इक्वल, ये 3 को हम बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा m अपान 3l और अंडर ब्रैकेट x क्यूब बचेगा, और यहाँ पर हम अब लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखने का फार्मूला क्या है, उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट l बाई टू है, l बाई टू का घात 3 माइनस, ये होगा माइनस l बाई टू का घात 3, ये हमने लिमिट रख दिया। ओके, वो पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आप उसको समझ चुके, इसको नोट कर लेना, ये हटा देता हूं मैंने। देखो दैट इक्वल, अब इसका समाकलन करो, m अपान 3l, l का घात 3, ये हो गया l का घात 3 बटे 2 का घात 3 मतलब 8 माइनस, और l माइनस का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा l क्यूब अपान 8। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो एल क्यूब अपान एट और एल क्यूब अपान एट, टू एल क्यूब अपान एट हो जाएगा, तो टू फोर इसके साथ कैंसिल होके हो जाएगा, दैट इक्वल एम अपान थ्री एल और अंदर मिल जाएगा अपने को एल क्यूब अपान फोर, एल क्यूब अपान फोर। इसको फाइनल अपन सॉल्व कर लें तो आई इक्वल टू फोर चारतिया बारह, एक बटे बारह, एक एल इसके साथ कैंसिल होगा तो हो जाएगा एम एल स्क्वेयर, और ये होता है इसका फाइनल इक्वेशन। इस तरह से I इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल्व एम एल स्क्वेयर, ये क्या है, राड के कारण जड़त्वाघूर्ण है। क्लियर, तो इस तरह से राड के कारण हम जड़त्वाघूर्ण इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, बैक पेज में आओ, ये हमने निकाला है इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः निकाला है। यदि ये अक्ष इसके किनारे में आ जाए, यदि ये अक्ष इसके किनारे में आ जाए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर समांतर अक्ष का प्रमेय लगा देंगे। समांतर अक्ष के प्रमेय लगाने के बाद हम दोनों को आई एक्स वाई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर वाले फार्मूला से ऐड कर देंगे तो हमको किनारे से मिल जाएगा। या एक तरीका और है कि जैसे हमने यहाँ पर लिमिट को अभी माइनस एल बाई टू से एल बाई टू किया है, यदि अक्ष को हम इस किनारे में कर दें तो उसको क्या कर सकते हैं, जीरो से एल कर सकते हैं, क्योंकि तब इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा
और फाइनल पॉइंट ही हो जाएगा। तो केवल आप लिमिट को यदि चेंज कर दोगे, सिर्फ लिमिट को आप चेंज कर दोगे, तो पूरा जो कैलकुलेशन है वह एक राड के एक इंड पर, राड के एक किनारे के लिए। तो दो तरीके हैं, एक तरीका समांतर अष्टप्रमेय लगाने का और दूसरा तरीका क्या है, सीधा लिमिट को जीरो से एल चेंज करने का। तो आप कर सकते हैं। बाकी महत्वपूर्ण देखिए, इलेवंथ क्लास में बहुत से बुक में तो इसको दिया भी नहीं, मुझे मालूम है बहुत से सिलेबस पर इसको पढ़ाते नहीं, सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको कॉम्पिटिटिव में काम आएगा। और रहने के लिए तो कम से कम 11-12 के आसपास बॉडीज़ होते हैं जिसका हमको आगे कॉम्पिटिटिव में तैयारी करना पड़ता है। लेकिन अभी हम डेरिवेशन की बात है तो 2-3 का कर लेते हैं, तो उससे क्या हमको बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो आज आप ये दो टॉपिक का, अभी मैं और कई बता दूं लेकिन मैं जानता हूं स्टूडेंट उसे कंफ्यूज हो जाता है, तो आज ये दो टॉपिक का आप क्या है अच्छे से तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर इसके डिस्क का बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं चकती। चकती थोड़ा डिफिकल्ट है और 2-डायमेंशन बॉडी है, अभी हमने देखा 1-डायमेंशन में तो कैलकुलेशन है। तो ये आप दोनों को अच्छे से तैयार करिए और इसके कंडीशन आप अप्लाई कर लेंगे, ओके। तो ये आप अच्छे से तैयार करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला बताता हूँ। ओके, थैंक यू।